कंगना रनौत की रीसेंट स्टेटमेंट्स ने बॉलीवुड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे जो उनके अगेंस्ट हैं। अब लूट केस एक्टर रणवीर शौरी ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स पर अटैक किया है और बताया कि अब वो मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फ्लंकीज बन चुके हैं और सबसे पहले इस ट्वीट से ऑफेंड हुए बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। रणवीर शौरी ने अपने ट्वीट में लिखा, सो मैनी इंडिपेंडेंट फिल्म क्रूसेडर्स हैव टर्नड मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फ्लंकीज नाउ। These are the same people who used to rant 24/7 about the system for attention before they were given entry into the pearly gates of mainstream Bollywood. Hashtag hypocrisy much. इस पर अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए लिखा, Do you really mean that Ranveer Shori? If you do, please explain. Please say exactly what you mean and whose flunky is who. इस पर रणवीर ने कहा, I always say that I mean Anurag Kashyap. You know that and I don't think what I have said lacks any clarity. It pretty much explains everything. As for taking names, that's beneath me. I am not trying to sling mud but just reminding people where they come from. इसके बाद अनुराग ने रणवीर से पूछा कि ठीक है, यही बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं किसका फ्लंकी हूँ? अनुराग ने लिखा, एंड आई विल से दिस क्लियरली, आई एम स्पीकिंग हियर विद यू बिकॉज आई वॉन्ट अलाउ यू और एनीवन टू डिस्ट्रैक्ट और चेंज द नैरेटिव ऑफ हाउ द इंडस्ट्री इज बीइंग यूज्ड। आई वॉन्ट अलाउ यू टू चेंज और क्रिएट द परसेप्शन अबाउट मी एंड मेक एनीवन बिलीव अदरवाइज। रणवीर ने रिप्लाई देते हुए कहा, आई डिडंट मेंशन यू, सो व्हाई डोंट यू कन्फेस हूज फ्लंकी यू आर? If you are so gutted by what I have said and I don't understand what you mean by the pain of my past nonsense, don't try to be my shrink, I assure you I work even more than alone. रणवीर ने आगे लिखा, आपको गलतफहमी है कि इंडिपेंडेंट फिल्म सिर्फ आप बनाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिपेंडेंट सिनेमा हमेशा से था और आपसे ज्यादा रहेगा। इसके बाद भी अनुराग कॉन्फिडेंट थे कि रणवीर उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अनुराग ने एक और ट्वीट किया और लिखा, Oh, so you weren't talking about me? That's incredible. Totally my fault that I misread you, which means my replies were totally unnecessary and unwarranted. Cool, coming to belittling, who did I belittle? Exactly, I thank know that one is directed at me for sure. Ranveer ne Anurag ke last tweet ka screenshot share karte hue kaha, How many people are you belittling when you say they are distracting or changing the narrative? Who are you to control the narrative? Everyone has the right to talk about their pain just like you and yes, your replies to me were unnecessary. I am not here to make a spectacle. End में अनुराग ने कहा, okay, मैं ये खत्म करता हूँ, तुम्हें कंगना का पेन दिखता है, I will agree to disagree. इसके बाद रणवीर ने क्लियर किया कि वो किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहे थे, आपने किया। कौन कह सकता है कि कौन रियल पेन में है और कौन अटेंशन सीकर है? मैं सिर्फ हर किसी की सच बोलने की राइट्स को डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आप करते हैं। आपको बता दें, अनुराग एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर माने जाते थे। उसके बाद उन्होंने कुछ मेनस्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज भी बनाई, जैसे बॉम्बे वेलवेट। इस पूरे ट्विटर आर्ग्यूमेंट के बाद अनुराग कश्यप को काफी ट्रोल भी किया गया।